अपने परिवार को और अपने आप को बोल दिया था कि इम्पॉसिबल वर्ड ना डॉक्टर की डिक्शनरी में होता है, गुरुजी की डिक्शनरी में नहीं है, शिव शक्ति के दरबार में तो है ही नहीं। दो हफ्ते पहले आई थी अपने पिता के लिए, जिसके लिए आपने बोल दिया था कि जीवन नहीं है, लेकिन आप ही की कृपा से गुरुजी 80-90% उनका कैंसर ठीक हो चुका है। मेरी सच में यहाँ से जुड़े लोगों में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, थैंकफुल एंड ग्रेटफुल, बहुत छोटा सा वर्ड है गुरुजी। दो हफ्ते पहले आई थी अपने पिता के लिए, जिसके लिए आपने बोल दिया था कि जीवन नहीं है, लेकिन आप ही की कृपा से गुरुजी 80-90% उनका कैंसर ठीक हो चुका है। मेरे परिवार, मुझे अनुभव होता है, मतलब डॉक्टर ने लास्ट में फूड पाइप ब्लॉक हो गई थी उनकी, डॉक्टर ने बोला था कैंसर के केसेस में फूड पाइप अनब्लॉक होती नहीं है। मैंने अपने परिवार को और अपने आप को बोल दिया था कि इम्पॉसिबल वर्ड ना डॉक्टर की डिक्शनरी में होता है, गुरुजी की डिक्शनरी में नहीं है, शिव शक्ति के दरबार में तो है ही नहीं। गुरुजी मतलब इतनी थैंकफुल हूँ, मेरी पूरी फैमिली बहुत ग्रेटफुल है, थैंकफुल है आपकी। बस उनका थोड़ा बहुत, मेरी भी नौ हवन पूरे हो चुके हैं, कल आरोग्य कर लेंगे, मुझे पता है थोड़ी प्रक्रिया बाकी है और इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, टाइम लगी ठीक होने में। मेरे पूरा अनुभव है गुरुजी कि पापा ठीक हो चुके हैं, बस एक बार आपसे बोलूँगी कि उनको थोड़ा थोड़ा एक है बॉडी में और हल्की हल्की वॉमिट, जो कैंसर की होती थी वो होनी बंद हो गई है, आई थिंक मेडिसिन की होती है, लेकिन आपसे एक बार बोलना चाहूँगी कि एक बार आप भी देख लीजिए, बाकी मैं कोई डॉक्टर किसी के पास नहीं जा रहा। फोटो है पापा की? हाँ है। निकालिए देख। अभी उनको खिंचाव हो रहे हैं। हाँ, खिंचाव है, ऐसा लगता है। और जलन हो रही है। हाँ, बैकबोन कोई खींच रहा हो बाहर, और उल्टियाँ होती हैं, वो उसकी कैंसर की नहीं होती, आई थिंक मेडिसिन की कड़वी कड़वी उल्टियाँ होती हैं। और उनके पास न होने का नहीं, तुम्हारे प्रेयर से दरबार की ओर से सुरक्षा के लिए उनको एक दिवसीय हवन का पुण्य दे के रखा गया, उनको जिंदा रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी बहुत प्रेयर थी उसमें जी गुरुजी, इसलिए न होने के पुण्य से नहीं सुरक्षित है, एक दिवसीय के उससे सुरक्षित है। आपकी कृपा है गुरुजी, आगे जाके प्रोसेस करेंगे, आराम मिल रहा है। क्या प्रोसेस? आगे जो आरोग्य करके अभी अच्छे हो जाए तो आराम मिल जाए। बस एक चीज और बोलना चाहूंगी गुरुजी, मतलब एक संदर्भ में कहना चाह रही हूँ कि आपने मुझे शुरू में बोला था, जब मैंने पूछा था कि ऐसा कुछ नेगेटिव किसी ने किया है, उसकी एनर्जी का इम्पैक्ट है, तो आपने बोला था उसके बिना कुछ नहीं होता। तो जिन पे हमें शक था और यहाँ से जुड़ने से पहले जिन्होंने बताया था, उनका बेटा जब हम हवन करते थे घर पे, तो बार बार घर के बाहर देखता रहता था हम क्या कर रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, छठवें हवन के दिन उसका ऐसा मेजर एक्सीडेंट हुआ है कि उसके दोनों घुटने के बैड रिटर्न हो गया, वो कंप्लीटली टूट गए। मैं इस संदर्भ में नहीं बोल रही हूँ कि मुझे खुशी हुई, बस इस संदर्भ में कह रही हूँ कि आप कहते हैं ना कि आपके दरबार से लोगों का कभी कोई तंत्र वो नहीं कर सकता, आप 1 करोड़ देंगे, अगली बार आपसे कोई पूछे ना तो आप उसे 100 करोड़ बोलिएगा गुरुजी, अमाउंट बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि सच में यहाँ से जुड़े लोगों में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल, सब तुम लोगों की आस्था विश्वास और श्रद्धा से पूरा सब होता है। परिवार समर्पित है गुरुजी, पिता माँ प्रार्थना संकल्प से होता है, बस आपके शरण में, पिता को आपको ही इतना अच्छा किया, आप आगे भी अच्छा करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। आगे जा करके सब एक दिवसीय प्रोसेस में जाना पड़ेगा जी, है ना, करना आप बता दीजिएगा कब करना होगा। अभी उनका इस तरह से काफी स्वस्थ हुए हैं। हाँ। इस समय का ये चित्र है उनका, प्रेजेंट टाइम का, जो कैंसर था क्लियर हुआ कैंसर। हाँ। अब ऐसा क्लीन हुआ है प्रेजेंट टाइम में। ओके। पहले बहुत भरा हुआ था पूरा। हाँ, गुरुजी, पूरा भयंकर फूड पाइप पे ब्लॉक हो गई थी, वो भी आपकी कृपा से। अब ये जो अब आप फूड पाइप देख रहे हो, हाँ, ये आपका क्लियर है। बिल्कुल गुरुजी, देख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल क्लियर है। अब भोजन कर पा रहे होंगे? हाँ, उनको लिक्विड दे रहे हैं, अभी हम डर के मारे फूड वैसा नहीं दे रहे, ठोस दे सकते। ठीक है गुरुजी, कब कुछ आप बता दीजिए, आगे कोई और प्रोसेस ऐसी करनी होगी तो एक दिवसीय करेंगे जाके, आगे चल कर लेना, एक महीने बाद कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपकी शरण में परिवार अब आपके ही रहेंगे हम लोग। खुश रहो बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया।